नमस्कार, मैं बॉबी जी, एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। जज को मिली जान से मारने की धमकी, प्रशासनिक महकमे में मचा हड़कंप। कटिहार जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक जज को जान से मारने की धमकी मिली है। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की तहकीकात में लगी है। घटना के संबंध में बताया गया है कि जिले के सहायक थाना अंतर्गत ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित पारसोई अनुमंडल न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरुण कुमार के सरकारी आवास की दीवार पर पेंसिल से लिखकर जान से मारने की धमकी दी गई। दीवार पर धमकी भरा शब्द लिखा देख मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। इधर जानकारी मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। सदर SDOP अनिल कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। SDPO ने ACGM से मामले की जानकारी ली। SDPO ने बताया कि अभी तक किसी तरह की लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। कटिहार के SP आवास के सामने ही ACGM अरुण कुमार का आवास है। यह करतूत किसी शरारती तत्व का भी हो सकता है। मामले की जांच की जा रही है, जल्दी पूरा खुलासा हो जाएगा। सूरत में हुए हादसे के बाद चैती बिहार सरकार सभी कोचिंग स्थानों और अस्पतालों का फायर ऑडिट कराने का निर्देश। गुजरात के सूरत में एक कोचिंग स्थान में आग लगने से हुई 25 ज्यादा छात्रों की दर्दनाक मौत के बाद से बिहार सरकार भी हरकत में है। बिहार सरकार ने इस हादसे से सबक लेते हुए बिहार के सभी कोचिंग ट्यूशन संस्थानों और अस्पतालों के फायर ऑडिट कराने का फैसला किया है। राज्य अग्निशमन मुख्यालय पटना से राज्य के सभी अग्निशालाओं को अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वाणिज्यिक संस्थानों और अस्पतालों के फायर ऑडिट के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। कोचिंग संस्थान और अस्पतालों का फायर ऑडिट कर 30 मई तक प्रतिवेदन भेजने का आदेश दिया गया। महानिदेशक के द्वारा जारी निर्देश में जारी कहा गया कि शहरी क्षेत्र में अवस्थित कोचिंग संस्थानों में लगातार बड़ी संख्या में छात्रों का जमावड़ा होता है। ऐसे संस्थान अग्नि के दृष्टिकोण में संवेदनशील है। ऐसे संस्थानों का फायर ऑडिट जरूरी है। इसी द्वारा हटाए गए कई अधिकारियों की ममता सरकार ने की बहाली। आम चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक फेर बदल होने शुरू हो गए हैं। चुनाव आयोग ने राज्य के जिन पुलिस अधिकारियों का तबादला किया था या जिन्हें हटाया था, उन्हें ममता सरकार ने दोबारा बुला लिया। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर अर्जुन शर्मा, जिन्हें ममता सरकार ने राजीव कुमार के बदले जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्हें भी चुनाव आयोग ने हटा दिया था। लेकिन अब ममता सरकार ने उन्हें वापस अपना कार्यभार संभालने को कहा। चुनाव आयोग ने राजीव कुमार को दिल्ली भेजी थी, लेकिन ममता सरकार ने एक बार उन्हें वापस बुला लिया। राजीव कुमार कल कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।